जो फास्ट जो फा आय से सिग्नल जाता है ब्रेन को इसी पाथवेज को ठीक है आई से जो सिग्नल जाता है को, ये पाथवे को हम कहते हैं एंड देन जो हमारा ब्रेन से आता है फिर हमारा आयस को जिसके से हमारा जो पीपिल जो ब्रेन से सिग्नल आता है आयस को इसी पाथवे को हम कहते हैं इफ्रेंट ओके तो फ्रेंड्स देखिए जो पीपुलरी पाथवेज होता है वो दो तरीके का होता है फर्स्ट वन दैट इज अफ्रेंड एंड सेकेंड इज फ्रेंड तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया जो आफ्रेंड होता है वो फ्रॉम आई टू दी ब्रेन जो सिग्नल हमारा आई से जाता है ब्रेन को उसी पाथवे को हम कहते हैं आफ्रेंड तो फ्रेंड्स ये पाथवे क्या रहता है ना फर्स्ट आई से जाता है सिग्नल ऑप्टिक नर्व देन ऑप्टिक काइजमा देन ऑप्टिक ट्रैक देन ब्रेन देन टू दी प्रिटेक्टल न्यूक्लियाई ओके ये हो गया हमारा आफ्रेंड का Pathway, next, efferent, जब हमारा से आता है, edinger, nucleus, nerve, nerve, muscle, जिसके जो पीपिल है वो कॉन्स्टेंट करता है क्लियर अब नेक्स्ट दिपुल रिफ्लेक्सेस ओके तो फ्रेंड्स दिपुल रिफ्लेक्सेस आर थ्री टाइप्स फर्स्ट वन दैट इज लाइट रिफ्लेक्स सेकंड नियर रिफ्लेक्स एंड थर्ड वन दैट इज साइकोरी रिफ्लेक्स ओके तो फ्रेंड्स लाइट रिफ्लेक्स क्या है जब भी हम अपना आइज में लाइट डालते हैं तो क्या होता है हमारा जो पीपिल है वो कॉन्स्ट्रिट करता है तो फ्रेंड्स ये जो लाइट की वजह से जो हमारा बॉडी में हमारा पीपिल में जो रिएक्शन होता है चेंजेस होता है जो पीपिल कॉन्स्टिट करता है ये लाइट के वजह से इसको हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स क्लियर तो फ्रेंड्स ये जो लाइट रिफ्लेक्स है ये दो तरीके का होता है फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड सेकेंड वन कॉन्सेंसल लाइट रिफ्लेक्स तो फ्रेंड्स ये जानते हैं पीपल ऑफ दी अदर आई कॉल्ड कॉन्सें लाइट रिफ्लेक्स ओके सो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है ना मान लीजिए कि हम लाइट अपना राइट आई पे डाल रहे हैं तो क्या होगा जो राइट right आई है उसका पीपिल कॉन्स्ट्रेट करेगा ओके राइट आई पे लाइट डाल रहे हैं एंड राइट आई का पीपिल कॉन्स्ट्रेट कर रहा है जिसको कि हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स ओके तो फ्रेंड्स अब देखिए राइट आई पे लाइट डाल रहे हैं राइट आई का पीपिल कॉन्स्ट्रेट कर रहा है लेकिन उसके साथ एट ए टाइम जो लेफ्ट आई है उस आई का भी पीपिल कॉन्स्ट्रेट करेगा जिसको कि हम कहते हैं कॉन्सेंस लाइट रिफ्लेक्स अंडरस्टैंड सो फ्रेंड्स मैं आपको और एक बार बताता हूं देखिए मान लीजिए कि हम एक आई पे हमारा लाइट डाल रहे हैं तो क्या होगा उस आई का जो है करेगा लेकिन टाइम जो दूसरा आई होगा उस आई का भी पीपिल कॉन्स्ट्रेट करेगा ओके तो फ्रेंड्स एक आई पे लाइट डाल रहे हैं एंड जो दूसरा आई का पिपिल कॉन्स्ट्रेट कर रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स एंड जिस आई पे हम लाइट डाल रहे हैं उस आई का जो कर रहा है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स ओके राइट पे डाल रहे हैं जो राइट right आएगा करता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स राइट के साथ साथ जो लेफ्ट आएगा जो पीपिल कॉन्स्ट्रेट कर रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंसल लाइट रिफ्लेक्स ओके तो फ्रेंड्स देखिए इफ लाइट एंटर्स एन आई एंटीपल ऑफ दिस आई कॉन्स्ट्रेट कॉल डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स

तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होते हैं ना जब हम एक नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं पास का चीज को देखते हैं तो क्या होते हैं ना हमारा जो पीपिल है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेट करता है ओके okay? जिसको कि हम कहते हैं नियर रिफ्लेक्स ओके तो फ्रेंड्स ये जो नियर रिफ्लेक्स है वो तो अच्छे तरीके से डिटरमाइन नहीं किया जाता है आपको पता नहीं चलता है लेकिन जब कन्वर्जेंस होता है जब हम तो एक टाइम हमारा एंड उस टाइम हमारा जो पीपिल है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेट करता है ठीक है उस टाइम हमारे जो पीपिल का जो रिएक्शन है ठीक है वो अच्छे तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है देखते हैं तो क्या होता है होता है पीपिल थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेट करता है जिसको कि हम कहते हैं नियर रिफ्लेक्स सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पाथवे ऑफ नियर रिफ्लेक्स ये जो नियर रिफ्लेक्स होता है उसका पाथवे क्या रहता है सो so फ्रेंड्स फास्ट सिग्नल्स मीडियल रेक्टस मसल से जाता है वाया थर्ड नर्व देन टू ए

तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट साइकोसेंसोरी रिफ्लेक्स साइकिक और, और तो फ्रेंड्स जब हमारा में कुछ साइको या फिर की से हमारा जो रियक्शन है वो थोड़ा सा या फिर डायलेट कर जाता है जिसको कि हम कहते हैं साइकोसेंसोरी रिफ्लेक्स जैसे कि एग्जाम्पल जब हम अचानक से डर जाते हैं घबरा जाते हैं चमक उठते हैं तो क्या होता है ना हमारा जो पीपिल है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है कि नहीं जिसको

IDGs, Ixam, के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बायटे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच